आज का टॉपिक जो है हमारा मेन कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने यहां पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। व्हेन पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट और व्हेन पार्टनरशिप डीज नॉट जब डज नॉट एग्जिस्ट। क्या दो टॉपिक मैंने डिवाइड किया है। व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है पार्टनरशिप डीड नहीं है, और यहां पे इसका मतलब है व्हेन पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट का मतलब है। पहले सिंपल सा मीनिंग समझते हैं, डीड क्या चीज है और मैं किस तरीके से एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या रहती है और इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। चलो मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाता हूं। ये मैंने फॉर्मेट बनाया, यहां पे पॉइंट नंबर वन लिखा, ये एक मेरा पेज है, ब्लैंक पेज। पॉइंट नंबर वन नेम एक्स और वाई रहेगा। पॉइंट नंबर टू लिखा नेचर, क्लॉथ का बिजनेस होगा। पॉइंट नंबर थ्री लिखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 रहेगा। पॉइंट नंबर फोर मैंने लिखा यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन 6% एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। मेरा क्वेश्चन यह है, क्या फर्म ने डीड बनाया या नहीं बनाया? बनाया है, ठीक है ना, फर्म ने डीड। तो मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं या इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं? इस वाले, यानी डज नॉट एग्जिस्ट मतलब जो पार्टनर है, ये पार्टनर आपस में इतना भरोसा करते हैं अपने दोनों के ऊपर कि कोई जरूरत ही नहीं है कि डीड बनाए। ठीक है, यानी अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप बोलते हो जी पार्टनरशिप डीड है, यानी डज एग्जिस्ट करता है। अगर इस तरीके से कोई रूल नहीं बनाया, मैंने कुछ बात ही नहीं करा, कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड। अगर मैं ये वाला पॉइंट काट दूं, अगर ये मैं नहीं बनाता, तो अगर मान लो ए है और बी है, ये पॉइंट मैंने नहीं बनाया, सपोज करो डीड बनाना भूल गया, एक मिनट के लिए भूल जाओ इसे, ए और बी है, ए बोलता है जी मुझे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बी बोलता है नहीं मिलेगा। मेरा क्वेश्चन, क्या ए को मिलेगा क्योंकि डीड नहीं है? बी बोलता है मुझे सैलरी मिलना चाहिए, ए बोलता है नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, यही है डीड नहीं होने का। अब डीड आपने बोला है, डीड है तो मुझे बताना क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन है, क्या डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है? इसका मतलब डीड तो एग्जिस्ट में है, बट व्हेन प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और व्हेन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये प्रोवाइड और चार्ज की समस्या आ गई, दो वर्ड है यहां पे। मैं बोलूंगा कि यहां पे इस डीड में नॉट मेंशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अगर मैं इसमें लिख दूं फिफ्थ पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, तो क्या डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है? इस कॉन्सेप्ट को मैं बोलूंगा चार्ज, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट, या तो डीड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो सवाल ही नहीं है। अगर डीड होगा तो दो पॉइंट आएगा हमारा, या तो डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया होगा, या फिर अगर डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया हुआ है तो मैं बोलूंगा चार्ज किया हुआ है। अगर डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बताया हुआ तो मैं बोलूंगा प्रोवाइड है, इसको प्रोवाइड बोल देता हूं। दूसरा, अगर मैं इसे हटा दूं, मुझे बताओ डीड है या नहीं है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे एग्रीमेंट है? नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे एग्रीमेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा एग्रीमेंट। क्या डीड है? अगर मैं इस पे फिफ्थ पॉइंट लिख दूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बताओ क्या एग्रीमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे? है, तो डीड में
हो जाने से जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट हो या फिर ना हो। पहले ये बात समझो, यहां तक पॉइंट समझ में आया? तो पहले वाले का तो आपने खुद ही आंसर दे दिया। पहले वाले का क्या आंसर दिया आपने कि सर अगर डीड नहीं होगा ना तो ये पार्टनर कोई भी कुछ बोल ले, देन नॉट अलाउड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या सही है ये? अगर डीड एग्जिस्ट में नहीं है तो नॉट अलाउड टू, यानी जो मैंने रूल बनाए थे उस वो बनाना ही, रूल ही बनाना भूल गया, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? कोई पार्टनर कितना भी बोल ले मेरा कैपिटल ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, तब भी क्या मिल जाएगा उसे? नहीं मिलेगा। यहां पे पॉइंट समझ में आया? अब इधर आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर इसके अंदर मेंशन नहीं है, डीड है लेकिन इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग मेंशन नहीं है कि कैसे करना है, तीन केसेस हो सकते हैं। व्हेन प्रॉफिट मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद कुर्सी ले जाओ। इसके बाद अगला पॉइंट हो सकता है व्हेन प्रॉफिट नॉट मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी समझेंगे, इसका एग्जाम्पल भी लूंगा। थर्ड पॉइंट हो सकता है व्हेन लॉस, थर्ड पॉइंट हो सकता है व्हेन लॉस। चलो एक एक एग्जाम्पल लूंगा तो क्लियरिटी आएगा। एग्जाम्पल मेरा क्या है, कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैं किधर, इधर लिख दूं तो चलेगा? एग्जाम्पल इधर लिख दूं? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स और वाई और कैपिटल। इसका कैपिटल 1 10 हजार और इसका कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। मेरा एक क्वेश्चन का जवाब देना, एक्स को कितना ब्याज मिलेगा? एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 1,000। सबको समझ में आ रहा है? वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 2,000। चलो ठीक है, केस नंबर वन प्रॉफिट, पॉइंट नंबर वन प्रॉफिट 4,000, पॉइंट नंबर टू प्रॉफिट 2,000, पॉइंट नंबर थ्री लॉस 1,000। तीन पॉइंट मैंने लिखा है, तीनों के लिए मैं P&L अप्रोप्रिएशन बनाऊं एक? इधर आ जाएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आएगा केस वन के हिसाब से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ जाएगा, किसका आएगा? एक्स का, एक्स का 1,000 और इसका, सही है गलत? क्या इसके बाद भी कुछ बच रहा है मेरे पास? टोटल क्या आ गया? टोटल आ गया मेरा, क्या कुछ बच रहा है? कितना बच रहा है? 1,000। इसलिए मैंने इसको पता है क्या बोला, वेन प्रॉफिट मोर देन इंटरेस्ट। क्या मेरा प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज्यादा है? कॉन्सेप्ट क्या है, वेन प्रॉफिट मोर देन इंटरेस्ट। तो यहां पे और जो बचा उसको क्या नाम दूंगा मैं? प्रॉफिट किस में बांट दूंगा? एक्स। और अब कुछ भी रेशियो नहीं दिया तो 500, देखो इसमें कोई डाउट? कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 500 और 500, कोई डाउट? दूसरे वाले एग्जाम्पल ले, इसके नीचे ही करता हूं मैं, बताओ नेट प्रॉफिट क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का 1,000। अब मुझे बताना सेकंड केस का हेडिंग क्या है? व्हेन प्रॉफिट नॉट मोर देन इंटरेस्ट। प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, प्रॉफिट है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा। हाँ जी, तो ऐसे केस में पता है क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में लॉ कहता है भाई जब आपका प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं दिखा दूं तो मैं लॉस में पहुंच जाऊंगा, जो कि मेरे बिजनेस का एक तरीके से प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है। कि पार्टनर की वजह से सिर्फ फर्म लॉस में जा रहा है, बिजनेस की वजह से नहीं जा रहा, क्योंकि पार्टनर डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लॉ कहता है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा लेकिन आपको जितना आपका बनता है उतना नहीं मिलेगा, जितना प्रॉफिट है उतना ही मिलेगा। इसका मतलब प्रॉफिट है उतना मिलेगा। हां जी,
इंटरेस्ट आपको मिलेगा 2000 ही मिलेगा। तो अब एक्स और वाई बोलेगा क्या 1000 मेरा और 1000 मेरा, ऐसा नहीं है। कहा गया जो इनका कैपिटल रेशो होगा उतना मिलेगा। अब बताओ इनका कैपिटल रेशो क्या है, तो इनको ये इंटरेस्ट पता है कैसे मिलेगा, 1:2 में। तो 2000 रुपए बांट दूं अगर मैं इसमें, तो इसमें आ जाएगा पहले का 1,00,000 है तो 6,6,6 और इसका आ जाएगा 3,3,7 नहीं 2000 है ना, कैपिटल 10,000 है, रेशो क्या हुआ, मैं रेशो में बांट रहा हूं ना, तो इसका आ जाएगा 6,6,6 और इसका आ जाएगा 3,3 हो गए 2000। तो इन दोनों पॉइंट को देख के आपने क्या समझा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कई बार ज्यादा बन जाए प्रॉफिट से, तो हम जितना उसका बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना नहीं देते, प्रॉफिट को ही क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना के दे देते हैं। और किस रेशो में, कैपिटल रेशो में, किस रेशो में दे देंगे, थर्ड केस बताओ, थर्ड केस में क्या है, लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा जी, ठीक है नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अभी करवा रहा हूं पहले वाला केस, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे सिंपल सा बताना, मैं दोबारा से रिकंसाइल करूं तो ध्यान से बताना फटाफट से, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूं। व्हेन पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट, व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है, डीड बनाया ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं, कौन से रूल की बात। अब पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट है तो समस्या, क्या डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा या डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नहीं लिखा तो ये केस आ गया, व्हेन नॉट प्रोवाइडेड नॉट मेंशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये केस आ गया। तो उसको हम किससे मेंशन करते हैं, प्रोवाइड से। अगर नहीं लिखा आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तीन केसेस बन सकते हैं, अगर आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ले लो, अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है तो जितना प्रॉफिट है वही ले लो, और किस रेशो में, कैपिटल रेशो में। अगर आपका लॉस है तो भूल जाओ, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो क्या लॉस पार्टनर नहीं बांटेंगे, बिल्कुल बांटेंगे। उस केस में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और लॉस कहां आएगा, टू में, प्रॉफिट बाय में आता है तो लॉस कहां आएगा, और लॉस को दिखाएंगे 1000 रुपए और इसे एक्स और वाई में बांट देंगे, किस रेशो में, जो कि रेशो गिवन है, जो कि आ जाएगा हमारा क्या 3,3,3 और 6,6,7। समझ में आया ये पॉइंट, हाँ जी, लॉस का एप्रोप्रिएशन लॉस बांटा जाएगा। लेकिन यहां पे समस्या ये है कि हमारे जैसे वो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लॉस के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं क्योंकि लॉस का भी एप्रोप्रिएशन हो सकता है, लेकिन लॉ कहता है कि अगर लॉस होगा ना तो ना तो पार्टनर उस टाइम पे सैलरी लेने को पसंद करेगा, ना ही उस टाइम पे पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड करेगा, ना ही पार्टनर बोलेगा मेरा कमीशन दो, मेरा कमीशन दो, क्योंकि पार्टनर क्या चाहेगा, मेरे फर्म को तो पहले जो जमीन में जा रहा है, अंदर जा रहा है, जो डूबता जा रहा है उसको थोड़ा सा ऊपर करो। तो ऊपर करने का मतलब हमें जो मिलना चाहिए नहीं लेना। जैसे एग्जाम्पल लू, आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स है तो पहले अपने खर्चे पूरे कर लेंगे या पहले बच्चों का देखेंगे, पहले बच्चों का देखेंगे फिर अपना देखेंगे, जब होगा सरप्लस तो करेंगे। तो सेम ऐसे इस फर्म का पेरेंट्स कौन है, ए और बी, ये क्या चाहेगा, मेरे को मिले या ना मिले, पहले फर्म को क्या करो ऊपर ले जाओ। तो जब फर्म ऊपर जाएगा ना तो उसमें ना तो वो सैलरी मांगेंगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगेंगे, ना कमीशन मांगेंगे। तो क्या लॉस को बांटने में कोई दिक्कत है, जो पीएनएल से आया सीधा रेशो में बट सकता है, इसलिए हम क्या बना देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन वर्ड नहीं देते, हम वहीं पे बांट सकते हैं पीएनएल के अंदर इसको चाहे तो। जैसे पीएनएल आपने बनाया था ना, उसी पीएनएल में हम क्या लिख देंगे, प्रॉफिट और ए बी करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट होता तो वो सैलरी भी लेता, वो कमीशन भी लेता, तो उसको एक अलग जगह देना चाहिए ना, इसलिए हम क्या अकाउंट बना देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बस एक ये रीजन है, ऑल्दो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना दो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से क्या बोला गया है कि इन केस ऑफ लॉस देन आप प्रिपेयर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्लियर है, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बोलोगे जी नहीं हम तो नहीं बांटेंगे पीएनएल के अंदर, हमारी इच्छा है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बांटना है, कोई रोक थोड़ी लेगा, बांट दो। लेकिन आपके आपको किससे चलना है, आपके सिलेबस, मैं दोनों चीजें एस्पेक्ट लेके चलूंगा, आपको सिलेबस के हिसाब से चलना है, क्या बनाना है आपको, प्रॉफिट एंड
लॉस बना लेना उस केस में, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में नहीं लिखा, तो ये पॉइंट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में लिखा है तो पता ही क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, प्रॉफिट होगा तब भी, लॉस होगा तब भी, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो चाहे प्रॉफिट कम हो आपको देना पड़ेगा, जब हमारा क्या हो, डीड में लिखा हो। तो उसके लिए जब डीड में लिखा होता है तो उसमें क्या कहेंगे कि वहां पे एग्रीमेंट है या नहीं है, एग्रीमेंट है और यहां पे एग्रीमेंट नहीं है, और एग्रीमेंट नहीं जब हो, जब एग्रीमेंट होता है तो वहां पे वर्ड लगा देते हैं चार्ज, और एग्रीमेंट नहीं होता तो कई बार वर्ड लगा देते हैं प्रोवाइड, ठीक है। तो पहले आप फटाफट ये तीन केसेस नोट करो, फिर मैं बाकी इसके लिए भी सेम ही एग्जांपल के तीन केस बना दूंगा अभी, ठीक है ना, करिए नोटिस है। चलिए देखिए आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, When deed is given and charge, यानी हमें एग्रीमेंट गिवन है तो इसके लिए तीन केसेस हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, When profit more than interest on capital, When profit not more than interest on capital, When loss, मतलब केसेस मैंने सेम रखा दिक्कत ना हो। और क्वेश्चन ये है, पहले वाला केस तो यही रहेगा सेम, चेंजेस नहीं, सेकेंड वाला केस चेंज हो जाएगा, पता है क्या, हम x और y को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, 1000, और अब इसका नाम P&L नहीं रहेगा, P&L appropriation नहीं रहेगा, क्या नाम हो जाएगा, क्योंकि कंपनी किसमें पहुंच गया, फर्म किसमें पहुंच गया, लॉस में, क्लियर है ना। अब लॉस में पहुंच गया तो लॉस के अंदर पहुंचने के बाद लॉस कितना आ गया हमारा, अब बांट दे x और y में, समझ में आया या नहीं आया, आ गया, क्या था हमारा, चार्ज था, और सिंपल लैंग्वेज में पार्टनरशिप डीड है और एग्रीमेंट भी है, ठीक है। थर्ड केस का जवाब क्या होगा, आंसर क्या होगा आपका, बताओ थर्ड केस का, 1000 रुपए लॉस, नेट लॉस 1000 रुपए आ गया, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, देंगे, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है तो हमें देना पड़ेगा, एक्स का भी कितना 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 टोटल आ गया 4000, और इधर भी टोटल आ गया, और x और y में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2000, ये देखो केस हो गया सिंपल, ठीक है ना। तो मैं फिर से अगर बताऊं तो डीड एग्जिस्ट नहीं करता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सोचना ही नहीं है, डीड एग्जिस्ट करता है तो देखो एग्रीमेंट है या फिर एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर मोर देन लेस देन को सोचना पड़ेगा, अगर एग्रीमेंट है तो सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, चाहे फर्म लॉस में जा रहा हो चाहे फर्म किस में जा रहा हो, प्रॉफिट में। अब समस्या ये है, जब क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हमें क्या मानना है, हमें मानना है कि डीड एग्रीमेंट नहीं है, डीड तो है लेकिन एग्रीमेंट नहीं है, ये मानना है जब कुछ ना बोले तो। अब इसको भी नोट कर लीजिए आप,